नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी, रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके क्या बोले उसको, प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखिएगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल पाल पोस कर बड़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। वैसे नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी, रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके क्या बोले उसको, प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखिएगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल पाल पोस कर बढ़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। वैसे
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का ये कोरोनाई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखिएगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल ने पाल पोसकर बड़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। वैसे नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का ये कोरोनाई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखिएगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल ने पाल पोसकर बड़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। वैसे
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे। फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वही निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको दिखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल्य पाल पोसकर बढ़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे। फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वही निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको दिखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल्य पाल पोसकर बढ़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी, रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखिएगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल ने पाल पोसकर बड़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। वैसे नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी, रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखिएगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल ने पाल पोसकर बड़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। वैसे
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का ये कोरोनाई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी। वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको दिखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल ने पाल पोसकर बड़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। वैसे नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का ये कोरोनाई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी। वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको दिखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल ने पाल पोसकर बड़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी, रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे। फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वही निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखिएगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल्य पाल पोस कर बढ़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी, रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे। फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वही निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखिएगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल्य पाल पोसकर बढ़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का ये कोरोनाई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल ने पाल पोसकर बढ़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। वैसे नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का ये कोरोनाई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल ने पाल पोसकर बढ़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। वैसे
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी, रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वही निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको दिखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल्य पाल पोसकर बढ़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी, रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वही निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको दिखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल्य पाल पोसकर बढ़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखिएगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल ने पाल पोसकर बड़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। वैसे नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखिएगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल ने पाल पोसकर बड़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। वैसे
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का ये कोरोनाई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी। वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको दिखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल ने पाल पोसकर बड़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। वैसे नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का ये कोरोनाई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी। वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको दिखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल ने पाल पोसकर बड़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखिएगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल ने पाल पोसकर बड़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। वैसे नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखिएगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल ने पाल पोसकर बड़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। वैसे
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का ये कोरोनाई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी। वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको दिखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल पाल बोसकर बढ़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। वैसे नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का ये कोरोनाई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी। वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको दिखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल पाल बोसकर बढ़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी, रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वही निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखिएगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल्य पाल पोस कर बढ़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी, रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वही निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखिएगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल्य पाल पोसकर बढ़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का ये कोरोनाई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल ने पाल पोसकर बड़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। वैसे नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का ये कोरोनाई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल ने पाल पोसकर बड़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। वैसे
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वही निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको दिखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल्य पाल पोसकर बढ़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वही निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको दिखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल्य पाल पोसकर बढ़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखिएगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल ने पाल पोसकर बड़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। वैसे नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल ने पाल पोसकर बड़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। वैसे
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का ये कोरोनाई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी। वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको दिखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल ने पाल पोसकर बड़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। वैसे नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का ये कोरोनाई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी। वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको दिखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल ने पाल पोसकर बड़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी, रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वही निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखिएगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल्य पाल पोस कर बढ़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी, रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वही निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखिएगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल्य पाल पोसकर बढ़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का ये कोरोनाई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखिएगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल ने पाल पोसकर बढ़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। वैसे नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का ये कोरोनाई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखिएगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल ने पाल पोसकर बढ़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। वैसे
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी, रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वही निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको दिखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल्य पाल बोसकर बढ़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी, रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वही निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको दिखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल्य पाल बोसकर बढ़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का ये कोरोनाई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल ने पाल पोसकर बड़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। वैसे नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का ये कोरोनाई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल ने पाल पोसकर बड़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। वैसे
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वही निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको दिखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल्य पाल पोसकर बढ़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वही निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको दिखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल्य पाल पोसकर बढ़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखिएगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल ने पाल पोसकर बड़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। वैसे नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखिएगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल ने पाल पोसकर बड़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। वैसे
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का ये कोरोनाई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी। वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको दिखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल पाल बोसकर बढ़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का ये कोरोनाई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे, फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी। वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको दिखेगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल पाल बोसकर बढ़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई एंटरटेनमेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मूवी रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी, रोहित शर्मा द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन हास्य फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे। फिल्म में आपको भारत में फिल्म ने जो है वो भारत ने 256 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है वो रोहित शेट्टी के द्वारा किया गया है। वहीं निर्माता जो है इसके प्रोड्यूसर गौरी खान, रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दिखेंगे। वहीं यह स्टूडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2013 को यह यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पब्लिश की गई थी, वहीं 9 अगस्त 2013 को यह वर्ल्ड वाइड ये पब्लिश की गई थी। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यह जो है हिंदी फिल्म है, हिंदी में बनाई गई फिल्म है। इसके कुल लागत जो है वो 120 करोड़ रुपए की हुई थी। कुल कारोबार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 423 करोड़ रुपए की हुई थी विकिपीडिया के अनुसार। इसमें आपको देखिएगा एक कहानी कि किस प्रकार से एक अभिनेता या कहीं एक आदमी जो कि चला जाता है, राहुल जिसका नाम होता है, यानी कि फिल्म में आपको दिखेगा कि शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और यह 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक हैं जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा और दादी यानी कि टंडन और कामिनी कौशल्य पाल पोस कर बढ़ा किया है। उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रभावित किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वो अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है।